ताज़ा खबर सीजन वन के साथ मैं OTT प्लेटफॉर्म पर अपने आप को एक्सप्लोर करने आ गया। ताज़ा खबर सीजन वन को लोगों ने बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट मिर्ज़ापुर के बाद अगर किसी ने मुझे बहुत बार पूछा है सीजन टू कब आएगा, सीजन थ्री कब आएगा, सो इट्स बिन फॉर ताज़ा खबर। ये किरदार अपने आप में, और एक मुस्लिम महबूब भाई जिसकी बेकरी है और बेटी से प्यार करता है और वस्या और पूरी टीम के साथ, तो इतने सारे लेयर्स हैं जो मुझे करने में बड़ा ही मज़ा है। एंड मेरे लिए मधु का किरदार भी लुक वाइज एंड कैरेक्टर वाइज बहुत अलग रहा है। शी वॉज अ सेक्स वर्कर इन सीजन वन एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू सम कॉमेडी ऑल्सो, एंड सीजन टू में उसका कैरेक्टर इवॉल्व होता है एंड जस्ट द डायनामिक्स आर रियली ब्यूटिफुल, सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अ शो लाइक दिस। हमें भरोसा भी है कि सीजन वन के बाद सीजन टू जिस तरह से बना है तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा, बल्कि थोड़ा ज्यादा उससे आगे जाएगा। वेल, कहानी ही इतनी ज़्यादा अलग है, जॉनर अलग है, और ताज़ा खबर सीज़न वन को लोगों ने बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट मिर्ज़ापुर के बाद अगर किसी ने मुझे बहुत बार पूछा है सीज़न टू कब आएगा, सीज़न थ्री कब आएगा, सो इट्स बिन फॉर ताज़ा खबर। एंड मेरे लिए मधु का किरदार भी लुक वाइज एंड कैरेक्टर वाइज बहुत अलग रहा है। शी वॉज अ सेक्स वर्कर इन सीज़न वन एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू सम कॉमेडी ऑल्सो, एंड सीज़न टू में उसका कैरेक्टर इवॉल्व होता है एंड जस्ट द डायनामिक्स are really beautiful, so it's completely different and I'm so proud to be part of a show like this. हमने आपको हमेशा एक comic character में देखा है, एक opportunity मिलना जहां audience को ये साबित करना that I am a versatile actor. तो क्या लगता है इस बार का character कितना अलग होने वाला है और क्या कितना audience को आप और साबित करने वाले हैं? Yes, so first of all, I feel proud that I am known as a comedian because comedy karna itna aasan nahi hota. Having said that, I feel I am also a versatile actor, but mujhe bahut kam opportunities mili thi isse pehle, aur taaza khabar season 1 ke sath main OTT platform par apne aap ko explore karne aa gaya, aur yahan par mujhe mehboob bhai jaisa kirdaar mila jiske kai sare layers hain, जो इमोशनल भी हैं और एंग्री हो जाते हैं कभी कभी, फ्रस्ट्रेटेड, सरप्राइज, मतलब तरह तरह के भाव इसमें भरे पड़े हैं। तो ये किरदार अपने आप में, और एक मुस्लिम महबूब भाई जिसकी बेकरी है और बेटी से प्यार करता है और वस्या और पूरी टीम के साथ, तो इतने सारे लेयर्स हैं जो मुझे करने में बड़ा ही मज़ा आया। एंड आई फेल्ट आई बीन रियली फॉर्चुनेट कि मुझे इसके लिए सिलेक्ट किया गया, तो आई वुड बी थैंकफुल टू द मेकर्स एंड द प्लेटफॉर्म। एंड ऑल्सो देवेंद्र जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आप हमेशा एक कॉमिक कैरेक्टर में नजर आए हैं, लेकिन एक अलग कैरेक्टर कैरेक्टर मिलना, व्हाट डू यू थिंक, उसको निभाना आपके लिए कितना इजी है या कितना मुश्किल? मैं समझता हूँ दुनिया में कुछ भी इजी नहीं है, सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करनी पड़ती है वाला तो कह दिया, पर उसका मज़ा भी है, उसका एक अलग ही मज़ा है। उस मेहनत करने में जो मज़ा आता है, एक अलग किरदार, उसकी थिंकिंग, उसका अप्रोच, उसके डिस्कशंस डायरेक्टर के साथ, राइटर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, सो ये सारा कोलैबोरेशन जो है, वो प्रोसेस जो है, वो इतना मज़ेदार रहता है कि आई रियली एंजॉय द होल प्रोसेस। श्री जी, आई नो एवरी कैरेक्टर वी प्ले इज हार्ड, बट इफ विल आस्क कि आप किस तरह के कैरेक्टर में ढलने में ज्यादा कंफर्टेबल हो, व्हाट विल आंसर ऑफ दिस? किस कैरेक्टर में ढलने में कंफर्टेबल हो? एक्चुअली द थिंग इज, यू नो, जो भी मैंने अब तक कैरेक्टर्स प्ले किए ना, फॉर एग्जांपल, वेदर इट्स स्वीटी गुप्ता फ्रॉम मिर्ज़ापुर और कशफ काजे एज अ लॉयर और राधा भार्गव एज अ न्यूज़ रिपोर्टर, वो जो प्रोफेशंस हैं या वो जो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। सो लाइक देवेंद्र सर ऑल्सो सेड कि हमें वो एफर्टलेस दिखाना पड़ता है, और एफर्टलेसनेस में एफर्ट जाता है। जब हम इरफान खान साहब, स्पेशली जब उनका परफॉर्मेंस अप्रिशिएट, यू नो, सब करते हैं, आज भी तब करते थे, व्हाट डू वी लाइक अबाउट इट इज दैट ईज। सो आई थिंक उस ईज में बहुत मेहनत जाती है, एंड फॉर मी जितना वो कैरेक्टर मेरी पर्सनालिटी से दूर हो, उतना मुझे और मजा आता है, बिकॉज यू नो, एज एक्टर्स वी आर लिविंग डिफरेंट लाइव्स इन वन लाइफ टाइम, और इसलिए तो हम ये करते हैं ताकि हम अलग अलग लोग बन सके। देवेंद्र जी, हम आपको मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो डायरेक्टर, और आपने एक्टिंग की दुनिया में भी पहले से कदम रखा है, तो क्या डायरेक्शन में कुछ नया मिलने वाला है हमको? ऑनेस्टली स्पीकिंग,
मेरी लाइफ जहाँ ले चलती है वहां मैं चलता हूँ, तो कभी मेरी लाइफ एज एन एक्टर मुझे आगे ले जाती है, कभी एज ए डायरेक्टर, मतलब ऑफर आते रहते हैं, तो मैं उसी को ज्यादा महत्व देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और मुझे मजा आने वाला है, चाहे वो एज एन एक्टर या एज ए डायरेक्टर। तो लेटली ऑफकोर्स सारा भाई के बाद कमांडो 2 वगैरह डायरेक्ट करने के बाद लेटली एज एन एक्टर मेरी गाड़ी ज्यादा चल रही है एंड आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। श्रेय जी, एनी अपकमिंग हमारी प्रोडक्शन हाउस की मराठी फिल्म नर्रम्मा जनोसाचा 2 बहुत अच्छा सुपर हिट हो गई है और उसमें मेरा कैमियो बहुत अप्रिशिएट किया गया है, सो आई थिंक दैट वाज अ रियली फन थिंग फॉर मी टू डांस ऑन स्क्रीन। बट मैं ज्यादा फिल्म्स पे फोकस कर रही हूँ एंड आई हैव 2 फिल्म्स दैट आई विल स्टार्ट शूट फॉर, एंड आई थिंक एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर समथिंग दैट आई एम रियली एमिंग एट इज मुझे अलग जॉनर्स करने हैं। आजकल लोग ज्यादा लव स्टोरीज नहीं बना रहे, पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा टू डू यू नो एन आउट एंड आउट ब्यूटीफुल रोमांटिक लव स्टोरी, पीरियड ड्रामा। मुझे ऑन स्क्रीन डांस करने का बहुत मौका नहीं मिला है, आई थिंक लास्ट एक ड्राइडे नाम की फिल्म आई थी जहाँ पे मैंने होली सॉन्ग किया था, सो आई वुड लव टू डांस ऑन स्क्रीन एंड टू बी सीन इन अ वे दैट आई हैव नॉट बीन सीन बिफोर। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारे व्यूअर्स ने ताज़ा खबर सीजन 1 को इतना सारा प्यार दिया, वॉर्म्थ थी, और अभी हम ट्रेलर लॉन्च हुआ है और उसको भी इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है कि ऐसा लगता है कि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस अब स्काई हाई हैं, पर एट द सेम टाइम हमें भरोसा भी है कि सीजन 1 के बाद सीजन 2 जिस तरह से बना है तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा, बल्कि थोड़ा ज़्यादा उससे आगे जाएगा।